हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक पेमेंट एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन करके कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या इसके बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और अगर आप ऑस्ट्रोपे अकाउंट ओपन करते हैं तो आप किस तरह से अपने इस अकाउंट का यूज कर पाएंगे, कैसे आप ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रोपे एक पेमेंट एप्लीकेशन है जहां पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसके थ्रू आप यूपीआई या फिर अदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑस्ट्रोपे अकाउंट हर कोई ओपन कर सकता है और इसका यूज कर सकता है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, आप ऑस्ट्रोपे में अपना अकाउंट ऑनलाइन ही मोबाइल फोन से ओपन कर पाएंगे। ऑस्ट्रोपे यूनाइटेड किंगडम का एक पेमेंट ऐप है जो यूनाइटेड किंगडम में काफी ज्यादा फेमस है। यूनाइटेड किंगडम ही नहीं, वर्ल्ड वाइज अगर आप देखेंगे तो काफी सारी कंट्री में ये फेमस है। हालांकि इंडिया में जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम फेमस है, उसी तरह से ऑस्ट्रोपे कई सारे कंट्री में फेमस है। ऑस्ट्रोपे अकाउंट खास करके उनके लिए काफी यूजफुल है जो कोई अदर कंट्री घूमने के लिए या फिर ज्यादा शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा जो हमारी इंडियन करेंसी है ये हर कंट्री में नहीं चलता है। अगर आप मान लीजिए अमेरिका जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो वहां पर आपको डॉलर में पेमेंट करना होगा। तो जो ऑस्ट्रोपे अकाउंट है यहां पर आपको सबसे अच्छी फीचर्स आपको ये मिलता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में इंडियन करेंसी में पैसा है, अब आप यूएस जा रहे हो घूमने के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो वहां पर आपको यूएसडी में पेमेंट करना होगा। तो जो आपका INR है, इंडियन करेंसी है, उसे आप यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, जो आपका ऑस्ट्रोपे अकाउंट है वैलेट है वहीं पर आपको इंडियन करेंसी को यूएसडी में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिसे आप यूएसडी में कन्वर्ट करके वहां पर शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रोपे अकाउंट ओपन करते हैं तो इंस्टेंट यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दी जाती है, जिस वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज आप ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहें तो आप ऑस्ट्रोपे जो एप्लीकेशन है वहां से आप फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रोपे अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो ऑस्ट्रोपे आपको एक्स्ट्रा अर्न करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि अगर आप कहीं पर UPI पेमेंट करते हैं, किसी के बैंक अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसका आपको अलग से रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। साथ ही अगर आप किसी भी फ्रेंड को रेफर करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रो पॉइंट मिलते हैं जिसे आप कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करनी होती है या फिर आपको ब्रांच में विजिट करके KYC कंप्लीट करनी होती है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रोपे अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको ना ही कहीं विजिट करने की जरूरत पड़ेंगे और ना ही आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से KYC कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेंगे। हालांकि ऑस्ट्रोपे कोई बैंक नहीं है, अगर आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं, लाइक मोबाइल बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, पासबुक का, चेकबुक का, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रोपे कोई बैंक नहीं है, ये अमेरिका का एक पेमेंट ऐप है जहां पर आपका वॉलेट अकाउंट ओपन होगा और आपको यहां पर एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसके थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आप किस तरह से ऑस्ट्रोपे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना होगा और यहाँ से आपको ऑस्ट्रोपे सिंपल मनी ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ऑस्ट्रोपे ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर आप इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, इस OTP कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर आपसे प्रोमो कोड मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आप स्क्रीन
स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा। आप इस प्रोमो कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आप प्रोमो कोड नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट प्रोमो कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन में लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एक लॉक लगानी होगी। अगर आपके मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट होगा तो आप फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पिन या फिर पैटर्न का यूज कर सकते हैं। आप लॉक बाद में भी लगा सकते हैं, मे बी लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप जो भी पासवर्ड रखेंगे इसी पासवर्ड के साथ आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे। जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपना पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसी पासवर्ड को आप फिर से दोबारा यहाँ पर री एंटर करेंगे, देन इसके बाद यहाँ से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जैसे कि जो भी आपका नेम होगा नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, जो भी लास्ट नेम होगा लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी एंटर कर देंगे और यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर होगा आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, देन इसके बाद यहाँ से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद फाइनली आप ऑस्ट्रो पे ये एप्लीकेशन में आप लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑस्ट्रो पे का होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। यहाँ पर आपकी इस अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैलेंस आप दो तरह से देख सकते हैं, INR इंडियन रुपीज में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर USD भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने इस अकाउंट में अगर बैलेंस ऐड करना है इसके लिए आप ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। जितना भी आप बैलेंस ऐड करना चाहते हैं वे आप यहाँ पर एंटर करेंगे या फिर यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप किस थ्रू से पेमेंट करना चाहते हैं, बैलेंस ऐड करना चाहते हैं वे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि UPI ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं या फिर आप यहां पर कोई अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि बैंक ट्रांसफर, वैलेट, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जिस भी थ्रू से बैलेंस ऐड करना चाहते हैं पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे और अपने इस अकाउंट में बैलेंस ऐड करेंगे। ऊपर में आपको नोटिफिकेशन का साइन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस एप्लीकेशन में अगर कोई भी अपडेट आता है या फिर आप इसके थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे में आपको यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि एक्टिविटी का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके प्रोफाइल में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कोई भी एक्टिविटी होता है तो वे आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे में यहाँ पर आपको रिवॉर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रो क्वाइंस जीत सकते हैं जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने इस अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट करते हैं उसका भी आपको ऑस्ट्रो क्वाइंस मिलेंगे जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश तो भी आपको यहाँ पर ऑस्ट्रो क्वाइन दिए जाएंगे, या फिर अगर आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट मेथड को लिंक करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर ऑस्ट्रो क्वाइन दिए जाएंगे जिसे आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी कई सारे प्राइस जीतने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको अर्न करना है इस एप्लीकेशन के थ्रू तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे जहां से आप ऑस्ट्रो क्वाइन जीत सकते हैं। जितने भी आपको क्वाइंस मिलेंगे वे क्वाइंस आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां से आप अपनी इस अकाउंट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं, यहां से आप कहीं पर भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, साथ ही यहां से आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं अपने मनी को। अगर आपका इंडियन रुपीज है तो आप उसे USD में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना एक प्रोफाइल पिक लगा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कैमरा से या फिर गैलरी से फोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना एक प्रोफाइल फोटो सेट करेंगे। नीचे में आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप कोई कैशबैक जीतते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। आप जितने भी लेवल पर पहुंचेंगे वे आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको इस अकाउंट में जितने भी ऑस्ट्रो क्वाइंस आप जीतेंगे वे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देखना हो तो इसके लिए आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ रहेगा तो आप इसे यहाँ से अपने ईमेल को वेरिफिकेशन कर लेंगे। नीचे में यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर शो करेगा। यहाँ पर पासवर्ड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर आईडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में आपको एक कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इनवाइट ए फ्रेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसी थ्रू से आप रेफर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड को, वे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे और अपने फ्रेंड को रेफर करेंगे। नीचे में यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप इसे डार्क मोड में भी कर सकते हैं, लाइट मोड में भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका लैंग्वेज होगा आप अपना लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी इस एप्लीकेशन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आप यहाँ पर हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको जिस भी तरह का प्रॉब्लम आता है आप अपने प्रॉब्लम को यहाँ पर सर्च करेंगे। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पर माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपका पर्सनल डेटा सब कुछ सही है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप उसे यहाँ से एडिट करके यहाँ से सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीट नेम एंटर करना है, जो भी स्ट्रीट नंबर होगा वे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कंट्री आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट यहाँ पर, और जो भी आपका सिटी होगा सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका पोस्ट कोड होगा पिन कोड होगा वे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन इसके बाद यहाँ से सेव करेंगे, आपका एड्रेस भी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल का वेरिफिकेशन करना है, जो ये अभी पेंडिंग है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी हालांकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले से ही ऐड हो जाएगा, आपने पहले ही दिया हुआ था। यहाँ पर आपको रिसेंट कंफर्मेशन ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको एक ईमेल सेंड किया जाएगा, यहाँ पर आपको ओके करना है। आप अपना ईमेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रोपे की तरफ से एक मेल आ चुका है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको एक वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपका ईमेल वेरिफिकेशन यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक आना है ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। अगर आप आईडी देना चाहते हैं कोई आईडी कार्ड, तो आप यहाँ पर आईडी को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप पासपोर्ट देना चाहते हैं तो पासपोर्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपने आईडी कार्ड को किस तरह से वेरीफाई करना है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जो भी आईडी कार्ड देंगे वे आईडी कार्ड ब्लर नहीं होना चाहिए, उसका जो नंबर होगा वे यहाँ पर क्लियरली शो होना चाहिए। आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे कैमरा का परमिशन मांगा जाएगा, इसे आप यहाँ से अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा के सामने आपको अपना आईडी कार्ड को लेकर के जाना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका आईडी कार्ड यहाँ पर स्कैन कर लिया जाएगा। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आईडी कार्ड को स्कैन किया जा रहा है, आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको आईडी कार्ड के बैक वाले साइड को यहाँ पर स्कैन करना है, जिसके लिए आप अपना आईडी कार्ड को पलट देंगे बैक साइड में, कुछ इस तरह से आप ले जाएंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके बैक साइड आईडी का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपके आईडी कार्ड का बैक साइड का भी वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एक सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अपने फेस को किस तरह से इस बीच में लाना है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर साइन देखने को मिल जाएगा। अपने फेस को इस बीच में लेकर के आएंगे और यहाँ पर कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका सेल्फी फोटो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, वेट करना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी तरह का चश्मा ग्लास वगैरह आप पहने हुए हैं तो उसे आपको निकालना होगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही आपका कंप्लीट केवाईसी यहाँ पर हो जाता है, इसके बाद जाकर के आप इस ऑस्ट्रोपे एप्लीकेशन का यूज
कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऑस्ट्रो पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट केवाईसी करना है। कंप्लीट केवाईसी जैसे ही आपका हो जाएगा, इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर दी जाएगी। हो सकता है 24 आवर का टाइम लगेगा एक्टिवेट होने में। इसके बाद जाकर के आप अपने इस अकाउंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ही देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी कारण से आपके क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ना दे पाए। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।